असलम अज़ीज़ तालबा तालिबात आज हम एक्सपर्ट सिस्टम्स के बारे में ही अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे और आज हम डिस्कस करेंगे एक्सपर्ट सिस्टम मस्ट हैव्स वो कौन सी कैपेबिलिटीज हैं जो एक्सपर्ट सिस्टम्स में होनी बहुत ही अहम और बहुत ही ज़रूरी हैं और उन कैपेबिलिटीज को डिस्कस करते हुए हम स्केलिंग प्रॉब्लम इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उस पर बात करेंगे उसके बाद हम एक और बहुत ही अहम इशू पे बात करेंगे कैन एक्सपर्ट सिस्टम मेक मिस्टेक्स ह्यूमन एक्सपर्ट्स से तो गलती हो सकती है गलती का इमकान है तो क्या एक्सपर्ट सिस्टम से भी गलती का इम्कान है उसके बाद हम ये देखेंगे कि एक्सपर्ट सिस्टम्स किन किन एरियाज़ में एप्लीकेशंस जो हैं एक्सपर्ट सिस्टम्स की वो डेवलप हुई हैं और उसके बाद मुख्तलफ़ शुबाजात में जो एक्सपर्ट सिस्टम डेवलप हुए हैं उनका हम एक ब्रॉडर सर्वे करेंगे तो आइए अब हम शुरू करते हैं देखते हैं कि एक्सपर्ट सिस्टम मस्ट हैव क्या हैं क्या कैपेबिलिटीज जो हैं वो एक्सपर्ट सिस्टम्स में होना बहुत ज़रूरी हैं बुनियादी तौर पर एक्सपर्ट सिस्टम्स में चार चीज़ें जो हैं वो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि होना इंतहाई अहम है पहली चीज़ एक्सपर्टीज़ के जिस शोबे के लिए जिस डिसिप्लिन के लिए एक्सपर्ट सिस्टम डेवलप किया जा रहा है उस शोबे के अंदर एक्सपर्ट सिस्टम के पास टॉप लेवल एक्सपर्टीज़ जो है वो मौजूद है और उसमें एक्सपर्ट सिस्टम मस्ट बिहेव एंड एग्जिबिट एक्सपर्ट परफॉर्मेंस हाई लेवल ऑफ स्किल एंड हैव एजुकेट रबस्नेस इस पर हम थोड़ी सी तफसील के साथ भी बात करेंगे और दूसरी चीज़ जो एक्सपर्ट सिस्टम में होना केपेबिलिटी जिसका एक्सपर्ट सिस्टम में होना इंतहाई अहम है दैट इज़ सिम्बोलिक रीजनिंग और सिम्बोलिक रीजनिंग में दो चीज़ें Uh, it should represent the knowledge symbolically. Expert system should have the capability to represent the knowledge symbolically and reformulate symbolic knowledge. Expert system should have the capability to represent knowledge and then reformulate knowledge uh, in the symbolic form. Third thing, which is very important in expert systems, is depth. डेप्थ की बात करते हैं तो वी मीन हैंडल डिफिकल्ट प्रॉब्लम डोमेन्स। अब जब किसी खास एरिया में हम लेट्स से डायग्नोस्टिक डायग्नोस्टिक्स ऑफ ए पावर प्लांट की बात करते हैं तो डायग्नोस्टिक वो एक बहुत ही वसी एरिया बन जाता है और एक ऐसा शोबा जिसमें बहुत ही दकीक नॉलेज की जरूरत है ये कैपेबिलिटी जो है एक्सपर्ट सिस्टम की डेप्थ जो है ये इसे डिस्क्राइब करती है और उसके साथ ये है कि जब हम किसी भी कॉम्प्लेक्स डोमेन में खा वो मेडिकल की हो खा वो केमिस्ट्री की हो खा वो इलेक्ट्रॉनिक्स की हो खा वो इंजीनियरिंग की हो तो उसमें रूल्स जो हैं हम आगे मिसालों से देखेंगे कि उसमें रूल्स जो हैं दे कैन टेक एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स फॉर्म और जब हम ये कहते हैं कि एक्सपर्ट सिस्टम शुड हैव डेप्थ तो उसका मतलब ये होता है कि एक्सपर्ट सिस्टम शुड बी एबल एंड केपेबल टू हैंडल ए वेरी कॉम्प्लेक्स लॉजिक एज वेल और आखिरी चीज़ जिसका एक्सपर्ट सिस्टम में होना जो है वो मस्ट है दैट इज़ सेल्फ नॉलेज सेल्फ नॉलेज में uh, दो चीज़ें अहम होती हैं वन इज़ एग्जामन इट्स ओन रीजनिंग एंड एक्सप्लेन इट्स ऑपरेशन फर्ज करें कि कोई एक्सपर्ट सिस्टम किसी ख़ास एरिया में रूल बेस को रन करता है और रन करने के बाद अपनी कुछ रिकमेंडेशन या अपना कोई कंक्लूजन और डिसीजन जो है वो देता है तो एक्सपर्ट सिस्टम को इस चीज़ का इल्म होना बहुत ही ज़रूरी है कि वो उस नतीजे पर किस तरह से पहुंचा वो उस कंक्लूजन पर किस तरह से पहुंचा उसने जो रिकमेंडेशन ड्रा की है वो रिकमेंडेशन ड्रा करने की लॉजिक क्या है तो एक्सपर्ट सिस्टम को इस चीज़ का इल्म होना भी ज़रूरी है हम उसे नॉलेज अबाउट नॉलेज कहते हैं कि उसने अगर एक रूल जो है वो रन किया है तो उस रूल को रन करने की लॉजिक क्या है तो इसके बारे में भी हम ये जो जितने भी मस्ट हैव का जिक्र किया हमने एक्सपर्ट सिस्टम में एक्सपर्टीज़ सिंबॉलिक रीजनिंग डेप्थ और सेल्फ नॉलेज इसके बारे में हम जरा तफसील से बात करते हैं जब हम ये बात करते हैं कि एक्सपर्ट सिस्टम मस्ट हैव एक्सपर्टीज तो उससे हम ये समझ रहे होते हैं कि एक्सपर्ट सिस्टम जिस तरह के कोई नॉर्मल एक्सपर्ट किसी भी अपने शोबे का जो है वो बिहेव करता है उसी तरह से एक्सपर्ट सिस्टम भी बिहेव करेगा आ, मिसाल के तौर पे आप किसी भी शोबे के एक्सपर्ट के पास जाते हैं और उससे उसके एरियाज़ ऑफ एक्सपर्टीज़ में डिस्कस करते हैं इंटरफेस करते हैं खा वो डॉक्टर हो खा वो जियालॉजिस्ट हो खा वो आर्कियोलॉजिस्ट हो खा वो केमिस्ट हो तो उसका बिहेवियर जो है वो नॉर्मल होता है एक्सपर्ट का बिहेवियर जो है वो नॉर्मल होता है उसकी सांस नहीं फूलती उसको आ, वो आ, ये महसूस नहीं करता कि वो किसी अनटेस्टेड एरिया पे बात कर रहा है कंपेयर टू दैट आप उसी एरिया के किसी नोविस के पास जाएंगे तो उससे उस एरिया में बात करेंगे या उससे उस एरिया के बारे में जिस एरिया का वो एक्सपर्ट है या जिस एरिया में वो एक्सपर्ट होने का दावा करता है लेकिन वो एक्सपर्ट नहीं है तो उसका बिहेवियर जो है वो एबनॉर्मल होगा वो नॉर्मल नहीं होगा वो उतनी स्मूथनेस के साथ इतनी आसानी के साथ आपको उस एरिया का ना तो एनालिसिस करके दे सकेगा और ना ही कोई मशवरा जो है उस एरिया में आपको दे सकेगा तो जब हम ये कहते हैं कि एक्सपर्ट सिस्टम मस्ट एग्जिबिट द एक्सपर्ट परफॉर्मेंस हैव हाई लेवल ऑफ स्किल हैव एडुकेट रॉबर्ट्सनेस रॉबर्टनस जब हम ये कहते हैं तो हैविंग डेप्थ एंड ब्रेथ वर्किंग विद इनकम्प्लीट और इनकरेक्ट डेटा अब आप एक्सपर्ट के पास जाते हैं तो उसे वो कहता है जी आपने ये टेस्ट करवाया था या नहीं करवाया था हम लट से आ, मिसाल लेते हैं किसी मेडिकल एक्सपर्ट की तो उसके पास जाते हैं उसने कहा जी ये टेस्ट कर उन्होंने कहा जी नहीं ये टेस्ट तो मैं नहीं करवाया लेकिन ये वाला टेस्ट छः महीने पहले मैंने करवाया था एक्सपर्ट्स जो है वो किसी बहुत लेंथी और लंबी कैलकुलेशन में नहीं जाता इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पीछे मतलब कैलकुलेशन जो है किसी किसी नतीजे पे पहुंचने के लिए ज़रूरी नहीं है कैलकुलेशन बात किसी नतीजे पे पहुँचने के लिए किसी रिकमेंडेशन करने के लिए ज़रूरी भी हो जाती हैं लेकिन एक्सपर्ट जो है वो इनकम्प्लीट डेटा के बावजूद आ, कोई अपनी राय कायम करने की पोजीशन में होता है बेस्ड ऑन हिज और हर एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन स्किल हैज़ अटेंड ओवर पीरियड ऑफ ईयर्स तो ह्यूमन एक्सपर्ट्स हैव द स्किल नंबर वन दे अप्लाई इट फाइंड द सोल्यूशन क्विकली

दूसरी चीज़ जिस पे हमने ज़िक्र किया एक्सपर्ट uh, सिस्टम uh, के लिए जो ज़रूरी है दैट इज़ सिम्बॉलिक रीजनिंग सिंबल क्या चीज़ है ए में सिंबल इज़ ए जागन विच इज बेसिकली रिप्रजेंटेशन ऑफ सम कैरेक्टर्स बेसिकली स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स दैट स्टैंड फॉर रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट ह्यूमन एक्सपर्ट्स डोंट सॉल्व इक्वेशन और लॉन्ग कैलकुलेशन मैंने पहले इसका जिक्र किया कि ह्यूमन एक्सपर्ट जो है वो लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस में इन नॉर्मल हालात में नहीं पड़ता अनलेस ही और शी हैज़ टू डू इट फॉर एग्जांपल इस चीज़ को आइए हम एक मिसाल के जरिए समझते हैं हमारे पास ये तीन चीज़ें एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में लिखी हुई हैं प्रोडक्ट डिफेंडेंट एंड जीरो पॉइंट एट अब ये बाज़ाह प्रोडक्ट एक लफज है डिफेंडेंट एक लफज है ज़ीरो पॉइंट एट एक नंबर है तो इस नंबर को जिस तरह जब जब एक्सपर्ट इस चीज़ को uh, uh, किसी खास एरिया का एक्सपर्ट जो लट से uh, ये चूँकि मिसाल जो है ये मिसाल लायबिलिटी uh, केस uh, की है तो एक्सपर्ट इन तीन लफ्जों से विल डिटर्मन मेक सम रेफरेंसेस और वो रेफरेंसेस किस तरह से हैं थोड़े से डिटेल में नीचे लिखे हुए हैं मीनिंग देर बाई डिफेक्टिव वैन ही थिंक्स डिफेक्टिव ही अंडरस्टैंड

और इसमें डिफेंडेंट की जो लाइबिलिटी है वो पॉइंट एट है और इस चीज़ को हम अगर एक्सपर्ट सिस्टम की लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करेंगे याद रखिए हमने पहले ये कहा कि एक्सपर्ट सिस्टम मस्ट एग्जिबिट एंड शुड हैव ए केपेबिलिटी ऑफ सिंबॉलिक रीजनिंग तो सिंबॉलिक रीजनिंग में हम इसको इस तरह से लिखेंगे इंस्टेड ऑफ ए कॉमन इंग्लिश लैंग्वेज और इससे एक्सपर्ट सिस्टम जो है राइटिंग इट इन दिस वे इन दिस फैशन एक्सपर्ट सिस्टम जो है वो उसको मैनुपलेट करके उसको अंडरस्टैंड भी करेगा और उससे लॉजिकल रीजनिंग uh, सामने रखते हुए उस चीज़ को uh, से किसी नतीजे पर भी पहुँचेगा तीसरी चीज़ हमने uh, जिसका जिक्र किया कि एक्सपर्ट सिस्टम मस्ट हैव इज़ द डेप्थ मैंने पहले मिसाल के किसी केमिकल प्लांट में या किसी पावर जनरेशन फैसिलिटी में सिस्टम इज़ एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स और उसमें कोई डायग्नोस्टिक का है मेंटेनेंस का है प्लानिंग का है ऑपरेशन का है किसी भी एरिया के लिए अगर हम एक्सपर्ट सिस्टम जो है वो डेवलप करते हैं तो वो एक्सपर्ट सिस्टम शुड हैव एंड बी केपेबल ऑफ हैविंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर डोमेन अब उस कॉम्प्लेक्सिटी जो डोमेन की कॉम्प्लेक्सिटी है उसको ना सिर्फ ये कि वो रिप्रेजेंट भी कर सकता हो कॉम्प्रीहेंड भी कर सकता हो एनालिसिस करने के बाद उसके बारे में कोई कंक्लूजन भी ड्रा कर सकता हो तो आ, ये चीज़ जो है ये एक्सपर्ट सिस्टम में मस्ट है वी से एन एक्सपर्ट सिस्टम हैज़ डेप्थ इट ऑपरेट्स इफेक्टिवली इन ए नैरो डोमेन कंटेनिंग डिफिकल्ट चैलेंजेस चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स रूल्स कैन बी कॉम्प्लिकेटेड एंड मे हैव लॉट्स ऑफ रूल्स जब हम रियल डोमेन की बात करते हैं तो उसमें रूल्स जो हैं वो कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकते हैं एंड नंबर ऑफ रूल्स कैन बी हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स तो अब एक्सपर्ट सिस्टम में रियल वर्ल्ड एक्सपर्ट सिस्टम जो है उसमें उसकी डेप्थ uh, जो है कि वो एक एक नैरो डोमेन किसी ख़ास एरिया में उसके का कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज भी है और वो नॉलेज जो है वो रिप्रेजेंटेड भी है रूल की शक्ल में या फ्रेम्स की शक्ल में और उसके बाद उसको उसकी कैपेबिलिटी जो है वो मैनिपुलेशन भी की जा सकती है यहाँ पे एक डिफ़िकल्टी आती है डिफ़िकल्टी ये आती है कि जब आप आ, किसी चीज़ को मॉडल करते हैं एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में तो हम उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लैंग्वेज में डोमेन कहते हैं अब टोए डोमेन जो है वो किसी भी रियल वर्ल्ड डोमेन का एक बहुत ही सिंप्लीफाइड मॉडल होती है तो हमारे पास डिफ़िकल्टी ये आती है कि हम नॉर्मली वी आर यूज़ टू वर्किंग इन ए टॉय डोमेन अब टॉय डोमेन को जब हम रियल वर्ल्ड डोमेन पर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो वी कम अक्रॉस ए प्रॉब्लम विच इज़ कॉल्ड द स्केलिंग प्रॉब्लम एज आई मैंशन हियर इन रियल वर्ल्ड डोमेन एक्चुअल प्रॉब्लम रियल डेटा मस्ट प्रोड्यूस सोल्यूशन इन ए कॉस्ट इफेक्टिव वे अनलाइक टॉय डोमेन विच हैज ग्रॉस सिंप्लीफिकेशन ऑफ द रियल वर्ल्ड सिचुएशन अब आप मिसाल ले लें इलेक्ट्रिसिटी के पावर प्लांट प्रोडक्शन की ले लें लेटेस्ट मिसाल आपके सामने ये टेस्म स्पिरट जो आ, जो शिप ब्रेक हुआ चंद दिन पहले इधर कराची कोस्ट पे अब उसकी लाइबिलिटी के बारे में अगर आप अखबार पढ़ते रहते हैं तो उसके बारे में बहुत सारी गुफ्तू हो रही है अब आप रियल वर्ल्ड सिचुएशन अगर आ, आप कहते हैं कि आपके पास लाइबिलिटी एनालिसिस का कोई एक्सपर्ट सिस्टम हो तो आप यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि वो एक्सपर्ट सिस्टम जो है वो कितना कॉम्प्लेक्स होगा कि शिप जो है वो कराची कोस्ट पे रख हुआ है और उसमें गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व हैं उसमें आपकी इंश्योरेंस कंपनीज इन्वॉल्व हैं उसमें ऑपरेटर्स इन्वॉल्व हैं उसमें जिसका जो जो ऑयल है जो लोडेड था जिस पार्टी का वो इन्वॉल्व है शिप इट्सल्फ इन्वॉल्व है उसमें टेक्निकली जो शिप का क्रू है वो इन्वॉल्व है एंड सो एंड सो फोर्थ जब आप इस एक वाक्य को आप एनालाइज़ करने की कोशिश करते हैं फ्रॉम दी लाइबिलिटी परस्पेक्टिव तो आप इस सिचुएशन uh, की डेप्थ जो है या इसके इसमें जो कॉम्प्लिकेशन है उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं अब आप एक आपने इसका अगर सिंप्लीफाइड मॉडल बनाया हुआ है लाइबिलिटी का तो वो सिम्प्लीफाइड मॉडल जो है वो शायद यहाँ पे आपके काम ना आ सके and that is a big difficulty in artificial intelligence which we call the scaling problem scaling problem mein aap dekhte hain ki ai researcher jo hai wo kisi real world domain jo hai usko dekhna chahta hai toy domain ki uh, ki analysis pe aur toy domain ke pattern pe ab toy domain के pattern को जिस तरह से हमने किसी situation को model किया हुआ है जैसे मैंने टेस्टमेंट spirit का जिक्र किया उसको जब हम represent करना चाहते हैं ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक लगाना चाहते हैं जो कि हमने टॉय डोमेन से या ब्लॉक प्रॉब्लम्स से हमने डिड्यूस की हुई है तो उसको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम में लगाना चाहते हैं तो ये वी सर्टनली कैन नॉट सक्सीड इन एन एक्सेलेंट फैशन के टॉय डोमेन से जो आपने नॉलेज गेन uh, किया हुआ है वो रियल वर्ल्ड डोमेन के लिए किसी हद तक तो एप्लीकेबल हो सकता है But cannot be applied in its totality. As such, the depth of an expert system is a must. When we say depth, It must be able and capable to handle the complexity of the situation and the, the sheer number or sheer volume of the information by in in the shape of number of rules. domain, no matter how narrow it is, that its gravity with ni. So ज़्यादा हो सकता एक्सपर्ट सिस्टम्स में जो अगली अहम कैपेबिलिटी विच इज़ मस्ट इज द सेल्फ़ नॉलेज ऑफ द एक्सपर्ट सिस्टम अब सेल्फ नॉलेज क्या है द एक्सपर्ट सिस्टम हैज़ नॉलेज अबाउट इट्स ओन ऑपरेशन एंड स्ट्रक्चर दैट सिम्पलीफाइज इट्स रीजनिंग प्रोसेस वंस अगेन द एक्सपर्ट सिस्टम हैज़ द नॉलेज अबाउट इट्स ओन ऑपरेशन एंड स्ट्रक्चर दैट सिंप्लीफाइज इट्स रीजनिंग प्रोसेस मिसाल के तौर पर रूल अबाउट द इन्फ्रुएंस चेन लेट्स एक्सपर्ट सिस्टम चेक इट्स एक्यूरेसी कंसिस्टेंसी एंड प्लाजिबिलिटी ऑफ इट्स कंक्लूजन अब ये देख लें कि इंफ्रेंस चेन के बारे में या इंफ्लुंसिंग जब हम करते हैं एक रूल और फैक्ट्स को मिलाने के बाद जब हम इंफ्लुएंस करते हैं फ्राम वन पॉइंट टू द अदर टू जेट एन पॉइंट तो अब ये लॉजिक क्या है कि हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गए तीसरे पॉइंट पे गए अनटिल वी रीच द कंक्लूजन तो देर इज एन इन्फ्रेंस चेन तो अब इन्फ्रेंस चेन जो बनी है उसके पीछे क्या लॉजिक है उसके पीछे क्या रीजनिंग है तो इसका इल्म होना एक्सपर्ट सिस्टम को द नॉलेज ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम अबाउट इट्स रीजनिंग प्रोसेस अबाउट इट्स स्ट्रक्चर अबाउट इट्स ऑर्गेनाइजिंग अबाउट इट्स रीजनिंग प्रोसेस इज

रियली लाइक टू नो कि जनाब ये कंक्लूजन जो दिया गया है इसकी रीजनिंग क्या है इसकी लॉजिक क्या है और एक्सपर्ट सिस्टम अगर वो लॉजिक वो रीजनिंग उसको एक्सप्लेन कर सकेगा बता सकेगा तो इससे यूजर के फेथ में कॉन्फिडेंस में उसकी यूटिलिटी ऑफ द डिसीजन एंड कंक्लूजन विल बी इन्हांस एंड इंक्रीज दूसरी चीज फास्टर डिवेलपमेंट इजी दि जब आप एक्सपर्ट सिस्टम डेवलप कर रहे हैं तो एक्सपर्ट सिस्टम डेवलप करते हुए आपको अगर पता है कि इसकी जो जो लॉजिक है बिहाइंड द डेवलपमेंट सिस्टम इस तरह से परफॉर्म करेगा तो आपकी डेवलपमेंट जो है वो फास्टर होगी और अगर खुदा ना खास्ता कहीं पे आपको डिबगिंग की ज़रूरत पड़ी जो कि अक्सर पड़ती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में या ख़ास तो पे एक्सपर्ट सिस्टम डेवलपमेंट में जब डिबगिंग की जरूरत पड़ती है तो अगर आपके पास लॉजिक उसकी जो मौजूद है तो आपको डिबगिंग में उस प्रॉब्लम को आइसोलेट करने में

कि इसका जो फंक्शन है जस्ट जिस तरह से किसी मेडिकल एक्सपर्ट को इस चीज़ का इल्म है कि वो जो लट से ई एन टी जो सिस्टम है इंसान का किस तरह से फंक्शन करता है ब्रेन किस तरह से फंक्शन करता है डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह से फंक्शन करता है एक डॉक्टर के सामने या एक गेस्ट्रोटोलॉजिस्ट के सामने जब आप हैं तो उसे उसे वो वो अंडरस्टैंड कर रहा है एक्सप्लिटली उसे पता है कि जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें कहाँ पे कौन सा एलिमेंट जो है वो किस तरह से फंक्शन करता है तो ये इम्प्लिसिट नहीं है कि जी ये ये इस तरह से ही होता है या जिस तरह से हम नॉर्मली नोविस जो हैं जिनको किसी सिस्टम के बारे में तफसीली सिस्टम की फंक्शन के बारे में तफसीलीम नहीं होता तो वो यही स्टेटमेंट देते हैं कि जी ये इसी तरह से ही होता है तो अगर सिस्टम को अपने बारे में नॉलेज है सेल्फ नॉलेज है तो दैट इज़ बेसिकली एक्सप्लिसिटनेस जो है वो उसकी रीजनिंग में वो आपके सामने आ जाती है मिसाल उसकी uh, एक uh, हम ये कहते हैं इफ मोर देन वन रूल अप्लाइज टू ए सिचुएशन ये दिस इज रूल अबाउट नॉलेज अबाउट नॉलेज कि आपने रूल अप्लाई किस तरह से करना है इफ मोर देन वन रूल अप्लाइज टू ए सिचुएशन देन यूज रूल सप्लाइड बाई एक्सपर्ट बिफोर रूल सप्लाइड बाई नोविस यहां से ये आप डेफिनेटली uh, अंदाजा लगा सकेंगे कि दिस इज़ अ रूल अबाउट रूल्स वो किस तरह से कि आपने एक एक्सपर्ट सिस्टम बनाया एक्सपर्ट सिस्टम में कुछ रूल्स जो हैं वो आपने एक एक्सपर्ट से लिए जो कि उस डोमेन में ज़्यादा एक्सपर्ट है उस डोमेन में उसकी जो अथेंटिसिटी है वो ज़्यादा एक्सेप्टेड है ज़्यादा इस्टेबलिश्ड है और एक वो शख्स जो है वो उसकी एक्सपर्टीज जो है वो उतनी ज़्यादा एस्टेब्लिश नहीं है तो आपने दोनों से रूल्स जो हैं वो अखज़ किए हुए हैं और आपकी रूल बेस का या नॉलेज बेस का हिस्सा है तो अब उसके बारे में ये रूल जो है कि अगर आपने एक से ज़्यादा रूल जो हैं वो किसी सिचुएशन को अप्लाई करते हों तो पहले वो वाला रूल अप्लाई करें जो कि आपके पास एक्सपर्ट से आया है ना कि नाविस से आया अगर नोविस से आया तो वो बाद में इस्तेमाल करें तो ये रूल जो है वो ये कह रहा है तो इस सारी डिस्कशन से हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि एक्सपर्ट सिस्टम जो है मस्ट हैव

अब आप इस चीज़ को ये अनोलॉजी दे लें विद रियल वर्ल्ड ह्यूमन एक्सपर्ट के साथ क्या आप आपको करते हैं कि किसी ह्यूमन एक्सपर्ट से खा वो किसी भी एरिया को हो मेडिकल डॉक्टर हो वो इंजीनियर हो वो मैथमेटिशियन हो फिजिस्ट हो केमिस्ट हो या किसी भी एरिया का डोमेन एक्सपर्ट हो अब डोमेन एक्सपर्ट से क्या आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो गलती कर सकता है जी हाँ आप जनरली ये परसीव करते हैं कि वो अक्सर औकात उसका जो डिसीजन होगा उसकी जो रिकमेंडेशन होगी उसका जो कंक्लूजन होगा वो सही होगा अक्सर औकात लेकिन आप सौ फीसद ये नहीं कह सकते इवन एक्सपर्ट भी सौ फीसद ये नहीं कह सकता कि जो कुछ वो रिकमेंड कर रहा है जो कुछ वो कंक्लूड कर रहा है जो वो डिसीजन कर रहा है वो सौ फीसद दुरुस्त है लिहाजा हम ये कहने में हक़ हकवाजानब हैं कि एक्सपर्ट्स से भी गलती का इम्कान है अगरचे अक्सर अवात वो अपनी रिकमेंडेशन में अपनी जजमेंट में अपने डिसीजन में, में सही होते हैं तो यही चीज़ जो है यही हम अप्लाई करते हैं एक्सपर्ट सिस्टम्स के बारे में और एक्सपर्ट सिस्टम से भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मोस्ट ऑफ़ द टाइम अक्सर औकात उसका जो डिसीजन होगा रिकमेंडेशन होगी जजमेंट होगी कंकलूजन होगा वो सही होगा लेकिन गलती का इम्कान एक्सपर्ट सिस्टम में भी है और यही चीज इस तरह हमने लिखी हुई है एक्सपर्ट सिस्टम आर डिजाइन टू बिहेव लाइक एक्सपर्ट्स यूजली प्रोड्यूसिंग करेक्ट रिजल्ट बट समाइम प्रोड्यूसिंग इन करेक्ट बल्स हाउ एवर द एक्सपर्ट सिस्टम लाइक देयर ह्यूमन काउंटर पार्ट्स हैव द केपेबिलिटी टू लर्न फ्राम देयर एरर्स एंड कैन इम्प्रूव देयर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज ये दूसरी चीज जो है ये भी बहुत अहम है कि अगर एक्सपर्ट सिस्टम एक दफ़ा गलती करता है और उस गलती से सीखने की कैपेबिलिटी जो है जिस तरह से किसी ह्यूमन एक्सपर्ट में है उसी तरह से एक्सपर्ट सिस्टम भी लर्न करता है अपनी अगर कहीं पे एक्सपर्ट सिस्टम को ग़लती करता है एरर करता है एंड इट्स जजमेंट कंक्लूजन और रिकमेंडेशन तो उससे वो लर्न भी करता है बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से ह्यूमन एक्सपर्ट जो है वो अपनी गलतियों से सीखता है आज हमने जिन चीज़ों पे डिस्कशन की वी डिस्कस द एक्सपर्ट सिस्टम मस्ट एक्सपर्टीज सेल्फ नॉलेज सिंबॉलिक रीजनिंग एंड डेप्थ ये चार चीजें हमने डिस्कस की उसके बाद स्केलिंग प्रॉब्लम का हमने जिक्र किया कि टॉय प्रॉब्लम से जो हम नॉलेज अखज करते हैं उसको एज सच आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम पे अप्लाई नहीं कर सकते दिस इज ए डिफिकल्टी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डोमेन उसके बाद हमने ये देखा कि कैन एक्सपर्ट सिस्टम मेक मिस्टेक्स यस एक्सपर्ट सिस्टम देर इज़ ए चांस जिस तरह से ह्यूमन एक्सपर्ट से कोई गलती हो सकती है इसी तरह से आपका जो एक्सपर्ट सिस्टम है उससे भी गलती का इम्कान है हाउएवर जिस तरह से एक ह्यूमन एक्सपर्ट अपनी गलती से आ, सबक सीखता है लर्न करता है अपने आप को एजुकेट करता है इसी तरह से एक्सपर्ट सिस्टम ऑल्सो हैव द दपेबलिटी टू लर्न इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे अल्लाह हाफिज़ thank <music> you